स्टार्टर्स विद पोल्का डॉट्स, इसे अनबॉक्सिंग अभी मैं कर रही हूँ। मैंने उगांव से मनी प्लांट ऑर्डर किया था जो अभी 6 महीने पुराना हुआ है और रूट बाउंड हो गया है। उसके रूट्स जो है वो उसके छोटे से पॉट से अभी नीचे से बाहर निकल रहे हैं। तो रिपॉटिंग के लिए मैंने ये रेलिंग प्लांटर्स ऑर्डर करके देखे हैं। ये देखिए, खोलने के बाद इसमें ये है 3 प्लांटर्स। इसे अब मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसे मुझे असेंबल करना पड़ेगा। ये हुक्स है और इसमें स्क्रू भी दिए गए हैं। ये है वो 3 प्लांटर्स पिंक कलर में, ये है ग्रीन और ये है पर्पल। तीनों रंग बहुत ही अट्रैक्टिव है और अच्छे लग रहे हैं। ये पोल्का डॉट्स की वजह से ये जो पॉट्स है ये स्पेशल लग रहे हैं। पीछे से इन पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है। साइज भी अच्छी है, बड़ी है। ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये पिंक कलर इज माय फेवरेट। और इसके बाद ब्यूटीफुल और ग्रीन वाले, नाइस। हर प्लांटर के साथ इस तरह के उन्होंने 2 हुक्स दिए हैं और ये इस तरह के स्क्रू जो है वो दिए गए हैं जो मुझे फिक्स करने पड़ेंगे। यह है इसका हुक। हर प्लांटर के साथ सेम रंग का 2 हुक्स ये दिए गए हैं। ये अमेज़न ब्रांड सोलिमो के 3 मेटल हैंगिंग प्लांटर्स मैंने ऑर्डर किए थे अगस्त 2021 में। 3 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छी कंडीशन में और अच्छी पैकेजिंग में ये 3 प्लांटर्स मेरे घर पर डिलीवर हुए हैं। इन अमेज़न ब्रांड सोलिमो 3 प्लांटर्स के लिए मैंने अमेज़न को पे किए हैं 950 रुपीज़। तीनों प्लांटर्स का रंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। उस पर जो पोल्का डॉट्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इन प्लांटर्स की शेप है ओवल। 2 किलो मिट्टी इस एक प्लांटर में आ जाएगी। ये है सिन एग्रो ब्रांड्स की एनरिच्ड ऑर्गेनिक पॉटिंग सॉइल का एक बैग। ये है 5 किलो का बैग। इसे मैंने ऑर्डर किया था अगस्त में। 5 दिनों के अंदर अच्छी पैकेजिंग में, यही इसका मेन पैकेजिंग है, मुझे ये डिलीवर हुआ है। इसे खोल के अब मैं चेक करने वाली हूँ। मैंने उगाव से मनी प्लांट ऑर्डर किया था जिसको अब 6 महीने हो चुके हैं और वो जो पौधा है वो रूट बाउंड हुआ है। उसके रूट अभी पॉट के नीचे से बाहर निकलने लगे, तो मुझे उसे रिपॉटिंग करना है। इसी के लिए मैंने ये जो सॉइल है ये ऑर्डर की है। ये है वो सॉइल, 5 kg का ऑर्गेनिक सॉइल है जिसके लिए मैंने अमेजोन को पे किया है 320 रुपये। शिपिंग चार्ज फ्री था इसके लिए। ये सिनाग्रो पॉटिंग सॉइल 100% ऑर्गेनिक है। इस मिट्टी में कोई भी केमिकल नहीं है। ये नीम के गुणों से भरपूर है। इस मिट्टी का इस्तेमाल करके हम हर तरह के फल, फूल, सब्जियां, हर्ब्स और इंडोर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये मिट्टी इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस मिट्टी में किसी भी तरह की बदबू बिल्कुल भी नहीं है और इस मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े नहीं दिखाई दिए हैं। पौधे को ज़्यादा या कम पानी देना, ऐसे समस्याओं से ये मिट्टी उस पौधे को बचाती है। ये है जिनपी ब्रांड के गार्डन टूल्स जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। इसे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसकी पैकिंग अच्छी है। मैंने इन्हें ऑर्डर किया था सितंबर महीने में। बिना किसी डैमेज के, बिना किसी डिफेक्ट के जो पैकेज है ये मुझे मेरे घर पर डिलीवर हुई है। इसमें है 3 गार्डन टूल्स और इन 3 गार्डन टूल्स के लिए मैंने अमेजोन को पे किए हैं 197 रुपीज़ सिर्फ। और 197 रुपीज़ में मुझे मिले हैं ये एक गार्डन शॉवल और ये 2 गार्डन फोक्स। इनकी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे, सिर्फ 197 में। वुडन हैंडल्स है इन्हें और मेटल के ये टूल्स हैं। अच्छी फिनिशिंग है, अच्छे से बनाए गए हैं।
इनको इस्तेमाल करके मैं आपको इसका डेमो दिखाने वाली हूँ। लेकिन 197 में ये तीन गार्डन टूल्स मिले हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी प्राइस के हिसाब से। ये तीनों गार्डन टूल्स बने हैं लोहे से, जिस पर पाउडर कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से इन्हें जंग नहीं लगने वाली है। इसके हैंडल्स लकड़ी से बने हैं। ये तीनों टूल्स एकदम लाइट वेट है, जिसकी वजह से गार्डनिंग करते वक्त हाथों पर वजन नहीं आता है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तीनों टूल्स इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। मुझे मेरे उगाव इंडोर प्लांट्स की रीपॉटिंग करनी थी और उसी में इस्तेमाल करने के लिए मैंने ये टूल किट ऑर्डर किया था। इस कल्टीवेटर, ट्रॉवल और फोक की वजह से रीपॉटिंग का काम मेरे लिए बहुत ही आसान रहा। इस टूल किट को इस्तेमाल करने के बाद मैं धोती हूँ, पोंछ कर सूखा करती हूँ और फिर रख देती हूँ। ये है उगाव का मनी प्लांट जो मैंने ऑर्डर किया था फरवरी 2021 में। 7-8 महीने के बाद ये इस तरह से रूट बाउंड हो गया था। रीपॉटिंग करने के लिए मैंने अमेजोन प्लांटर पिंक कलर का जो है वो इस्तेमाल किया और सिनेग्रो पॉटिंग सॉइल 2 किलो तक एक प्लांटर में मुझे लगी। टूल किट का इस्तेमाल करके मैंने रीपॉटिंग की और ये प्रक्रिया बहुत ही आसान रही। मैंने पहली बार किसी इंडोर प्लांट की रीपॉटिंग की है और यह मेरा मनी प्लांट जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है और बहुत ही हेल्दी हो गया है। दूसरे लेवेंडर कलर के अमेजोन प्लांटर में मैंने मेरे उगाव के स्पाइडर प्लांट को रीपॉट किया है, जो आप लगभग 7-8 महीनों के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है, बहुत ही हेल्दी लग रहा है। तीसरा हरे रंग का अमेजोन प्लांटर में मैंने मेरे उगाव रेड एग्लिनोमा प्लांट को रीपॉट किया है। इन तीनों उगाव इंडोर प्लांट्स को रीपॉटिंग करने के लिए मैंने अमेजोन प्लांटर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें सिनेग्रो की 5 किलो की पॉटिंग सॉइल का इस्तेमाल हुआ। इस सिनेग्रो रेडी टू यूज़ पॉटिंग सॉइल की वजह से इन उगाव प्लांट्स को पहली बार रीपॉटिंग करना मेरे लिए एक बहुत ही आसान प्रक्रिया रही और इस सिनेग्रो पॉटिंग सॉइल की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें ये मेरे तीनों इंडोर प्लांट्स बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं। अमेजोन से ऑर्डर किए हुए ये मेटल प्लांटर्स, सिनेग्रो पॉटिंग सॉइल और गार्डन टूल्स बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगे मुझे। मेरी YouTube वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे Amazon इन्फ्लुएंसर शॉप पर विजिट करें, मैंने रिकमेंड किए हुए Amazon प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करें। टू रीड प्रोडक्ट रिव्यूज इन इंग्लिश फॉलो माई ब्लॉग www.productreviewsrameshwari.com।